हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको निकाला था। इसमें अपन देखेंगे जो स्पेशल केस जो हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो डायग्राम नीचे अपन को दिख रहा है, ये कोई प्लेट है ए और ये प्लेट है कोई बी, पैरेलल प्लेट है दोनों कैपेसिटर। अब इसमें हमने इसका जो एरिया है प्लेट का, पहले तो अपन एरिया जो टोटल एरिया ए ले रहे थे, इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो एरिया ए वन और एक एरिया ए टू। ये नीचे वाला यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये ऊपर वाला एरिया हो गया ए टू और नीचे वाला एरिया होगा ए टू से। इसकी जो थिकनेस है वो सेम, दोनों जो प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो सेम है डी। इसका जो मीडियम है, जो ए वन जो एरिया है उसके अंतर्गत जो पैरेलल प्लेट ए वन जो एरिया है उसमें जो मीडियम है वो है एयर। जो इंसुलेटिंग, जो डायलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम है, जो डायलेक्ट्रिक है वो यहाँ पे एयर है। और नीचे वाला जो पार्ट है, पोर्शन है ए टू एरिया वाला, उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो डायलेक्ट्रिक है वो अदर है, एयर नहीं है, और उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ER है। तो इस तरीके से अपने पास में दिया हुआ है। तो अपन जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो, या फिर कैपेसिटर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उससे अपन ने पहले देखा है। तो कैपेसिटर बराबर क्या होता है, सी बराबर एप्साइनल ए अपॉन में डी, एप्साइनल जीरो इंटू एप्साइनल आर इंटू ए अपॉन में डी। यही तो था, सी बराबर एप्साइनल जीरो एप्साइनल आर इंटू ए अपॉन में डी, जहाँ पे एप्साइनल आर रिलेटिव परमिटिविटी, ए इज ए एरिया और डी इज ए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी, इसे डिनोट करते थे। तो अपन ए वन जो एरिया है उसके लिए अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे, ए टू एरिया है उसके लिए अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो नीचे अपन ने निकाल रखा है, अपन देखा ये जो अरेंजमेंट है इसमें ये सी वन ए वन एरिया के लिए, तो सी वन कैपेसिटेंस कैसे निकाला, एप्सिलॉन जीरो इंटू में ए वन अपॉन में डी। यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, एक, क्योंकि मीडियम क्या है एयर। सी टू, सी टू बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए टू अपॉन में डी। यहाँ पे इंसुलेटिंग जो डायलेक्ट्रिक है वो क्या है, कोई भी है वो, उसका रिलेटिव परमिटिव क्या है ER। तो इसकी वजह से यहाँ पे ER आ गया। यहाँ पे ER की वैल्यू वन है क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है वो, जो डायलेक्ट्रिक है वो क्या है एयर, इस वजह से। तो सी वन वैल्यू होगी, सी टू की वैल्यू ये होगी। तो टोटल जो कैपेसिटेंस होगा, टोटल जो कैपेसिटेंस होगा इस डायग्राम का जो ऊपर दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस का जो डायग्राम होगा वो ए वन और ए टू, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। ये अरेंजमेंट जो है वो टू, दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट है उस तरह का अरेंजमेंट है, तो इसमें डायरेक्ट जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है सी वन और सी टू वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस सी बराबर क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू बराबर में एप्सिलॉन जीरो ए वन अपॉन में डी प्लस एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ए टू एरिया टू अपॉन में डी, ये यहाँ से आ जाएगा। ये तो हो गया पहला केस, अब दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरा केस जो है, ये नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का केस है, इसमें है कि एरिया जो ए वन है वो तो सेम है पहले की इस तरह, ये दो कोई पैरेलल प्लेट हैं ए और बी, ये कोई पैरेलल प्लेट है, इनके बीच की जो दूरी है वो डी है, और इस प्लेट का जो एरिया है वो ए वन है यहाँ तक एरिया। अब ये जो एरिया है ए वन, इसके लिए जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है वो यहाँ, ये क्या है एयर, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें जो ए टू एरिया है इसमें कुछ जो पोर्शन है वो तो ये वाला पोर्शन, क्योंकि टोटल डी माइनस टी कर देंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, तो डी माइनस टी जो पोर्शन है ये पोर्शन तो, में तो डायलेक्ट्रिक है एयर, और जो टी थिकनेस का जो पोर्शन है इसमें डायलेक्ट्रिक है ER। कोई भी अदर डायलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी
ई आ रहा है। अब इसमें देखेंगे कि जो बिल्कुल सेम ऊपर वाले केस की तरह है, बस इसमें यह है कि उसमें पूरे में जो ए टू एरिया था उसमें पूरे में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है ई आर था, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन में है वो टी थिकनेस के लिए है। तो इसमें देखेंगे अपन कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका जो कैपेसिटेंस है वो तो बिल्कुल सेम होगा पहले की तरह, सी वन बिल्कुल सेम होगा, सी वन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, एक, इंटू ए वन अपॉन में डी। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है सी वन के लिए, वन, तो क्या हो जाए एप्सिलॉन जीरो इंटू ए वन अपॉन डी, ये तो आ जाएगी सी वन कैपेसिटेंस की वैल्यू। सी टू की जो वैल्यू है, सी टू की वैल्यू अपन निकालेंगे तो उसमें तो डायरेक्ट अपन ने निकाल दी थी एप्सिलॉन आर आ गया था, लेकिन इसको निकालने के लिए क्योंकि ये टी थिकनेस है, टी थिकनेस के लिए देखेंगे अपन, जैसे इसमें C1 बराबर एप्सिलॉन जीरो ए वन इंटू डी, ये तो गया ऊपर वाले पोर्शन के लिए। नीचे वाले पोर्शन के लिए C2 की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन जीरो इंटू ए टू अपॉन डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये होगी इसकी वैल्यू C2 की वैल्यू, क्योंकि वो पूरे पोर्शन में नहीं है, कुछ एक टी थिकनेस है जिसमें है, इस वजह से इसका फॉर्मूला जो ये है। तो इसका जो टोटल जो कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इस वजह से इनका टोटल कैपेसिटेंस सी बराबर सी वन प्लस सी टू दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे अपन को यहाँ इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो अगर स्पेशल केसेस इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई टी थिकनेस वाला है तो उसका कैपेसिटेंस इस तरीके से निकालोगे, और नॉर्मल जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है वो निकालते ही हैं, इन दोनों को ऐड कर दोगे। जैसे तो ये इस तरीके के दो स्पेशल केस हैं, इनका कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के स्पेशल केसेस हैं, तो इनका कैपेसिटेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो कोई भी दो कोएक्सियल सिलेंडर हैं, उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम भरा हुआ है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है तो वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है केबल। केबल को अपन देखते हैं कि केबल में जैसे नीचे डायग्राम में अपन ने केबल दिखा रखी है, ये कोई केबल है, तो इसमें देखेंगे कि ये तो कोई कंडक्टर है, बीच वाला जो पोर्शन है ये बाहर, ये टोटल केबल है जो सेथ है, बाहर वाला पार्ट है जो सेथ, ये अंदर वाला जो ये जो कंडक्टर है ये तो जो इनर सिलेंडर है उसकी तरह बिहेव करेगा, और ये आउटर जो सेथ होता है इसका आउटर, ये बिहेव करेगा दूसरे आउटर सिलेंडर की तरह। तो इस तरीके से दो तो कोएक्सियल सिलेंडर हो गए, इसके बीच में ये कोई इंसुलेटिंग मीडियम है जिसकी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है। इसका जो इसका जो डायमीटर है कंडक्टर का वो स्मॉल डी से डिनोट कर रखा है अपन ने, और केबल का जो टोटल डायमीटर है ये डी से कैपिटल डी, और जो इसका सेथ है ये है जो इस अर्थ पोटेंशियल से इसको ग्राउंड कर रखा है। अब देखेंगे कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, जो इसका जो इंसुलेटिंग मीडियम है जो डायलेक्ट्रिक है उसकी ई आर है। अब अपन देखेंगे इस पर कोई एक्स, इसका जो मिड पॉइंट है वहां से कोई एक्स रेडियस का कोई भी सिलेंडर अपन लेते हैं, कोई सिलेंडर अपन ने ले लिया ये एक्स रेडियस का, यहां से यहां तक इसकी रेडियस एक्स है, ये सिलेंडर अपन ने ले लिया। अब ये जो सिलेंडर है अब अपन देखेंगे कि इससे पहले एक चीज और, जो इसकी कोएक्सियल जो लेंथ है एक मीटर की, जो कोएक्सियल लेंथ के लिए अगर एरिया इसका निकालें तो कोई भी सिलेंडर होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर टू पाई
उसकी रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी x, इंटू कोएक्शियल लेंथ h, जो कोएक्शियल लेंथ इसकी कितनी है 1 मीटर के लिए अपन देखेंगे सबसे पहले, तो इसका एरिया हो गया अपने पास में 2πx मीटर स्क्वेयर, 2πx मीटर स्क्वेयर ये हो गया। अब ये इसका जो 1 मीटर की जो कोएक्शियल लेंथ है, इसमें पर मीटर जो जो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज इसमें अपन मान लेते हैं कोई भी क्यू चार्ज, कोई भी क्यू चार्ज इसमें मान लेते हैं। ये जो एक्स रेडियस का जो सिलेंडर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, बाय द गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने ये कहा था कि जो भी क्लोज पाथ है उसके अंदर कितना चार्ज है वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में दिखाया जाएगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू। इस तरीके से अपन इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अगर अपन निकालें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे दिखाते हैं, अपन पहले भी निकाल चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अगर मैं dx से दिखा दूं, तो dx बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, q और अपॉन में एरिया, ये होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी x जो रेडियस का जो सिलेंडर है उसके लिए। अब इसमें dx बराबर क्या हो गया, q अपॉन में 2πx, ये हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी अपन इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है वो निकालें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ex बराबर dx अपॉन एप्साइनल जीरो एप्साइनल आर। तो यहाँ पे ex बराबर dx की वैल्यू क्या है, ऊपर से जो dx की वैल्यू है पुट कर देंगे, q अपॉन 2πx इंटू एप्साइनल जीरो एप्साइनल आर। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ से आ गई। अब अपन देखेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई चार्ज है, इस पॉइंट पर कोई चार्ज है, उसको अगर मैं यहाँ से दूर ले जाऊँ तो उस पर मैं क्या करूँगा, वर्क करूँगा, कोई कार्य करूँगा, तो वर्क उस पर कार्य करूँगा, वर्क डन करूँगा, तो उसको एज ए वोल्टेज में दिखाकर यहाँ से जो एक्स की टर्म्स में वोल्टेज लिखना चाहूँगा, तो उस एक्स की टर्म में अगर वोल्टेज लिखूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की टर्म में अगर वोल्टेज लिखूँगा मैं तो लिख सकता हूँ वी बराबर, कहाँ से चलूँगा मैं, ये जो रेडियस है ये कितनी होगी d/2, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा d/2 से, कहाँ तक मुझे जाना है d/2 तक, और जो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ex इंटू में dx, क्योंकि जो अपना मूवमेंट है उसको अपन कोई भी dx पार्ट से अपन दिखा रहे हैं कि कोई भी दूरी तक अपन ले जाएं। तो इससे अपन आगे देखेंगे, आगे ये जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो वोल्टेज है वी बराबर d/2 ex इंटू dx, तो बराबर में स्मॉल d/2 से कैपिटल d/2 ex की वैल्यू पुट कर देंगे, ex की वैल्यू क्या थी, q अपॉन में 2πx इंटू में एप्साइनल जीरो इंटू एप्साइनल आर इंटू dx हो गया, q अपॉन 2πx d/2 से इसका जो अगर समाकलन अपन करेंगे तो इसका समाकलन 1/x है, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx का समाकलन क्या होगा, ln d/d मतलब log e के बेस पे, और उसको पुट करेंगे तो d/d ये अपन को मिलेगा। तो यहाँ से v वोल्टेज बराबर ये अपन को मिल गया। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस सी अपन ने देखा था, सी बराबर क्यू बाई वी,
तो क्यू बाई वी अगर मैं कर दूं तो क्यू अपने पास में है, वी जो है ये है, तो वी क्यू बाई वी इधर ले जाता हूँ, इनको इधर ले आता हूँ, तो मेरे को यहाँ से इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो अपन को मिलेगी C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन में लॉग ई पर डी बाई डी, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी फेराड पर मीटर, क्योंकि ये अपन ने जो कोएक्सियल लेंथ कितनी मानी थी अपन ने, 1 मीटर प्रति मीटर कैपेसिटेंस निकला। अब आप इसमें क्या करेंगे, उसकी जो कोएक्सियल लेंथ है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपन को टोटल जो कैपेसिटेंस है वो मिल जाएगा, कितनी भी लेंथ की जो केबल है उसका कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इफ द केब, तो यह है कि केबल की लेंथ अगर एल मीटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी बराबर टू पाई इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर इंटू में एल लेंथ जो केबल की लेंथ है वो, और लॉग ई कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी इंटू वो, बस ये इसकी यूनिट क्या होगी, फेराड, जहां पे एल क्या है उसकी लेंथ, केबल की लेंथ, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, कैपिटल डी उसका टोटल डायमीटर केबल का जो इनर जो सेथ है उसका डायमीटर, और स्मॉल डी ये डायमीटर है कंडक्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल केबल है ये, तो केबल का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो अपन इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं।